लव एंड थंडर से अवतार तक वो मास्टरपीस फिल्में जो ओटीटी पर पड़ी हैं और आपने मिस कर दी। फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऑप्शन हैं जहां आप अपनी मनपसंद फिल्में आराम से घर बैठकर देख सकते हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें देखकर आपके मन में एक बार ख्याल जरूर आता है कि ये फिल्म काश एकदम से देखने को मिल जाती। आज हमारे पास ऐसी ही कुछ फिल्में हैं जिनके बारे में चर्चा तो खूब हुई लेकिन आपने इन्हें मिस कर दिया। यहाँ डिज्नी प्लस की उन फिल्मों की लिस्ट है। थॉर लव एंड थंडर रैग्नारोक के साथ फ्रेंचाइजी थॉर लव एंड थंडर के लिए निर्देशक वापस आए। फिल्म ने फैंस को पहले के पार्ट जितना ही मजा दिया, लेकिन यह अभी भी एक अच्छा समय है जिसमें आप घर बैठे थॉर लव एंड थंडर का भरपूर आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सैम रैमी की 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिल्में बनाने की पहली कोशिश है जो एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों साबित होती है। प्लस साइड पर फिल्म शायद मार्वल फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी चीज है जो एक बार तो कोई भी देख सकता है। अवतार जेम्स कैमरून के अवतार के बारे में कोई भी बात कर सकता था जब इसे 2009 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म से सिनेमाई रिकॉर्ड बन गया जिसने एक और कैमरून फिल्म 1997 की टाइटैनिक को डुबो दिया जो कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में थी। टर्निंग रेड ये फिल्म मेइली की कहानी है। 13 साल की बच्ची एक समस्या से गुजर रही है। जब भी वो किसी तरह की भावना से उभरती है तो वह एक विशाल लाल पांडा में बदल जाती है। आखिरकार मेई को पता चलता है कि यह विरासत में मिली पारिवारिक खासियत है और ऐसे लोग हैं जो उसकी अलौकिक शक्तियों का शोषण करना चाहते हैं। वह धीरे धीरे सीखती है कि केवल उसके पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति है। ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किंग थी चल्ला चैडविक बोसमैन की है जिनकी 2020 में कोलन कैंसर से लड़ाई के बाद मृत्यु हो गई थी। अंत में लेखक निर्देशक रेयान कुगलर को एक सुपरहीरो फिल्म बनानी थी जिसने मार्वल की सिनेमाई कहानी को अपने अगले पार्ट में आगे बढ़ाते हुए दिखाया। तो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।